एक बाबा रहा करता और वो शाम सवेरे अपने पूजा करता, भगवान की भजन करता, और उसका तो और भी शौक आया करते भाई, कोई दूध लेके आ गया, कोई अपना लस्सी रहे, गुड़ रहे, दाल रहे, रोटी रहे, जो कुछ जाओ साधु के पास जाओ तो भाई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने हाथ में होना चाहिए, देवताओं का अर्पण करना चाहिए, तय दिल से मानोगे तो परमात्मा अपने पास ही है। और उस संत शकर गदा पद्म प्रभु श्री विष्णु भगवान की लीला विराट रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के रचेता संहार करता पालन करता यही है। तो एक भजन के माध्यम से कैसे बताया, आओ चुटकला तो भाई भूल ले गए, वो पूरा करा तो भाई शोक आ करता बाबा तो रोक करया के काम उसने बोला बाबा बोले हाँ भाई बोले हमारी दीवार जाऊंगा जे कोई चीज अपना मंगानी और डेरा खतर तो मंगा इसको मैं ले आऊंगा। बोले अब चीज तो अपने डेरा मेरे ख्याल सारी है जो अपना यो संख सनी भाई थोड़ा हा टूट रहा है अखंडित हो रहा है आरती पूजा में भाई अखंड चीज नहीं रखनी चाहिए बोले संख ले आइए। बोले ठीक से महाराज गंगा जी में गया स्नान करया ध्यान करया घूमया फिरया बड़ा आनंद से सैर करी मेला का आनंद लिया खुशी खुशी वापिस घर आया लौटिया जब न गांव के नजदीक आ तो बाबा बड़ी बात याद आएगी ओहो वह बात तो भूल है बाबा ने तो संख मंगाया था और वो तो ले गया है। तो भाई पहला बताऊं है आजकल तो या अपना प्रजापत कुमार बिरादरी से जो इनकी तो आकाश के अंदर है आज किसे टेम मन कहे ये पशु रख्या कर दे और पहला भाई आड्डा खोड़ी गांव का बहरे गेड़िया कर दे आड़ जो डांगर मर जाता उसकी कौन संभालिया करता गधे गधे ने सड़क के ऊपर ही पड़े उनका आड़ आड़ लिगड़ जाता मास खत्म तो उसका वो मुंह का जो आडसा था वो देखा उसने क्यों बोला तो बाबा ने फद्दू बनाए दिए न्यू कह दिए बाबा यू लिया संक में यू ले चाल वो ठह लिया ठह गया अपना बाबा का दौरा पहुंचा बोला महाराज जी आदेश प्रणाम बोले आदेश बच्चा अरे बोला यू के ले रहा है कि महाराज यू तो शख्स है बोला शंख बोला यू कौन सी किस्म का हो भाई बोला किस्म कासम का बेरा नहीं बाबा बोला सही है दिखा भाई जल तो स्नान करा के देखा नूना 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 तो फूक मारी नूना लिगड़गी नूना तो फूक मारी नूना लिगड़गी है मेरे यार बगा के मेरे कोई शक लिया भले बाबा वक्त किसी तीसी हो रही नहीं थी तो गुआंडा ता ही सुनया करता बोलता करता से। तो भाई कहने का मकसद यू है कि प्रेम भाव से अड़े मन इसे इसे भी देखे जो से टक्कर लानी है दारू पी के इतना तो 500 नोट दे के ब्राह्मण पूजा कराने लायक रहे थे और 500 रुपये लेके आके बैठ गया भाई तेरे 500 रुपया ना प्राण ले जे शोक तो मेरे भाई तो पी रहे से दारू दारू पी कम से कम पूजन तो कर लेने दे पूरा खोन वाले कौन हाँ आप ही खुद है हाँ भाई ये दौड़ा के मर्यादा तोड़ने वाले आप ही खुद है हाँ बनावांगे तो मर्यादा बनेगी सारा काम होगा धर्म पुण्य भी होगा या गौवा की मदद होगी ये भी कुछ दिन के अंदर लोप हो जानी ये भी नहीं रहनी ऐसा वक्त आ जाए किसी का जोर नहीं चल लगा तो कैसे बताए एक भजन पंबर बना आपो चा मुरली आ
तो परमात्मा ने अपने इस बंदू तक बाजू तक इस तक कमर तक बता दिया और निश्चय के अंदर कौन कौन से लोग और कैसे कैसे बताया पूरा खोल के बता दिया। तेरा वचन बद सू पिछले जन्म में तो अदिति बनी थी, मेरा पिता कश्यप ऋषि था, इसलिए भी मैं यो रूप दिखाया अपना, मैं आपका जन्म ले हूं। ये भी कहो चलेगी दुनिया, अमर रहेगी जब तक चलेगी, परमात्मा का नाम नहीं कभी मिटेगा। और कैसे कैसे क्या होता
क्या है, लेकिन मेरे जैसा मानस नहीं मिला कोई जो तेरा दुख कष्ट मिटा दे। कैसे कैसे वृतांत बताए। किसी टाइम में शांत कर दिया ने गुरु चेलो चेल गए आप श्री में रुष्ठाना हो गया के थोड़ी नाराजगी आ गई। लक्ष्मी चंद जी कहने लगे के ठीक सब आई तो तेरा न्यारा बेड़ा बांध ले, लेकिन मेरे बनाए भजन आ गए भाई। बोले गुरु जी अगर यह बात है तो मैं आपके भजन ही बनावड़े गाऊंगा, मैं और बनाए गाऊंगा। मांगे राम जिया ने जितने भजन गाए पहले गुरु लक्ष्मी चंद का स्मरण करें, उसके बाद में आपका छंद लग गया। कैसे कैसे वर्तान होता श्री विष्णु भगवान ने की। हाँ भाई सुहा पलवा।